तो गाइस यार आज की जो वीडियो है वो भी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, तो गाइस यार आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, और इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से हम आज खुद को वैक्यूम सील करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ऑलराइट गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम खुद को वैक्यूम सील करते हैं। टाणा 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 टाणा। तो गाइस यार हमारे पास है यहाँ पर एक कचरे की थैली, बड़ी वाली, और दो पार्सल जिनको कि हम वैक्यूम सील करेंगे। तो गाइस यहाँ पे होने वाली है अब वैक्यूम सीलिंग, और ऐसा कुछ हम भी पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर, इसे पास ले आओ। अब हम क्या करते हैं कि इसको इसे दे देते हैं, और फिर अब इसे कस के पकड़ना है। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। पट गई मैं। अबे पटी नहीं है वो, आप मेरी पट गई। खड़ा हो जा। कैसा लग रहा है? नहीं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बंदे को, अरे मत मार रहे, इनसे मर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने इसे वैक्यूम सील कर दिया है, और ये वैक्यूम सील होने के बाद कैसा लग रहा है देखो। देखो अंदर की हवा बाहर निकल रही है, चिकना चिकना लग रहा है, चिकना पेट की हवा भी बाहर, पेट की हवा भी बाहर निकल रही है। ऑलराइट गाइस, तो देखा आपने कि हमने किस तरीके से एक ह्यूमन को वैक्यूम सील कर दिया। ऑलराइट गाइस, तो जो वैक्यूम सीलिंग होती है उसका इस्तेमाल फूड्स के अंदर किया जाता है, फूड को ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने के लिए, या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उनका जो खाना होता है वो भी वैक्यूम सील्ड होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी एयर नहीं होती है। ऑलराइट गाइस, एक और पार्सल है। इसके साथ इस चीज़ को ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इनकी वैक्यूम सीलिंग किस तरीके से होती है। ऑलराइट गाइस, तो चलो दूसरे पार्सल को वैक्यूम सील करते हैं। आजा, डरे मत, पेन। ऑलराइट गाइस, तो यार ये जो एक्सपेरिमेंट है सच में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। ऑलराइट गाइस, इंसान वैक्यूम सील्ड। पकड़ इसको घुटनों के पास में पकड़ ले। ऑलराइट गाइस, ये हम कर देते हैं पूरी तरीके से वैक्यूम सील। मैं कहूँ तब, चलो मैं ऑन करता हूँ, रुक जाओ। ऑलराइट गाइस, वैक्यूम सीलिंग इन 3, 2, 1। क्या हो रहा है? तो चलो यार इस चीज को मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, काफी वियर्ड और काफी इसकी हवा टाइट हो गई है। लाओ एक और थैली लाओ। ऑलराइट गाइस, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा सा और भयंकर तरीके से ट्राई करते हैं। लेकिन गाइस यार प्लीज़ यार, आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए क्योंकि किसी को सांस वास की प्रॉब्लम हो तो दिक्कत हो सकती है। गहरी सांस ले लेता हूँ, लाओ। आ जाओ, कौन कर रहा है मुझे वैक्यूम सील? ठीक है,
राइट आप इसको यहाँ पे लो ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो काली पन्नी की वजह से अंदर गर्मी लग रही है, चलाओ। हाँ टू हाँ वन और अब मैं मजाक समझ रहा था, तो बहुत खतरनाक है। ए क्या कर रहा सालो। ऑलराइट गाइस, तो यार वैसे ये जो थैली है ना, सांस भी नहीं आ रही। वैसे ये जो थैली है ना काफी कमजोर होती है, लेकिन वैसे भी सालो नहीं है। वैक्यूम सील होने के बाद आप खुद को जरा सा भी हिला डुला नहीं सकते, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं इस थैली को भी नहीं फाड़ सकता। पेर लाना, पेर, पेर लाना, पेर, पेर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेर लाना। अरे नील रे। ऑलराइट गाइस, तो यार देखो गर्मी होगी इतनी सी देर में, देखो। ऑलराइट गाइस, तो वैक्यूम सील होने के बाद आप चाहे कितने ही ताकतवर हो, आप इस पन्नी को भी नहीं फाड़ सकते हैं भाई। बहुत खतरनाक चीज़ है यार। वैक्यूम सील होने के बाद अपन फेफड़ों को ऐसे हिला भी नहीं सकते। तो गाइस, ये था एक काफ़ी वियर्ड एक्सपेरिमेंट। आई होप इसके अंदर आपको मज़ा आया होगा। आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी ट्राई मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4 लाख लाइक्स। मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को कर दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन दबा देना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, नए एपिसोड के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।